वायरस जैसी घातक महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समूचे देश में 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद से लेकर अब तक भले ही सरकार द्वारा अनलॉक का चौथा चरण शुरू किया गया हो, जिसके अंतर्गत बहुत सारी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और नागरिकों की सहायता के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की हो, लेकिन एक समुदाय ऐसा भी है जिस पर लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इनकी सुध नहीं ली गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नर समाज की, जिनका काम कोरोना महामारी के चलते बिल्कुल ठप हो गया है। मौजूदा समय में अंबाला जिले में किन्नरों के 4 से 5 डेरे हैं, जिन्होंने अपना गुजर बसर करने के लिए अलग अलग इलाके जिले में धंधे को बांट रखा है। इन्हीं 4 से 5 डेरों में पूरे जिले के अंदर 20 से 25 किन्नर हैं। ये किन्नर अपने गुरुओं के साथ, जो खुद भी किन्नर ही रहते हैं, अंबाला छावनी के केसरी इलाके में रहने वाली किन्नर शिवानी ने बताया कि लॉकडाउन से पहले उनका काम अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से लेकर अब तक उनका काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। शिवानी किन्नर अंबाला कैंट से केसरी में नया डेरा बनाया है मैंने, और मेरे गुरु का नाम शालू महंत, पारो शर्मा जी मेरी दादी का नाम है, और मेरे को ये केसरी का इलाका दे दिया है मेरे दादी ने मांगने खाने के लिए। और जी लॉकडाउन लॉकडाउन से तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ी हम लोगों को, और उससे पहले हमारा काम सब ठीक चल रहा था। लॉकडाउन जब से लगा है हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं, और हमारे जो चेले नाती थे उनको भी बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं, जो हमारे साथ ड्राइवर चलते थे, ढोलक वाले चलते थे, उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है लॉकडाउन में। तुम्हारा और जो साथ जो हमसे मदद हुई है, हमारे जो चेले थे, हमारे जो ड्राइवर थे, तो हमने उनकी पूरी हेल्प की है। अब लास्ट में आके हमने बोला कि हमारा कोई सामने आके साथ नहीं दे रहा, और जब से लॉकडाउन हुआ है हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो शादियों का काम था वो तो बंद हो चुका है, बैंड बाजों का काम था वो भी बंद हो चुका है, और शादियाँ बहुत ही कम हो रही है लॉकडाउन में। जैसे पहले चलता था काम वैसे नहीं है, क्योंकि भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती शादी भी, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम उनके घर पे जाते हैं, वो बोलते हैं हमारा काम नहीं चल रहा, हमारी दिहाड़ी इतने दिन से नहीं लगी, लॉकडाउन है, हमें इतनी सैलरी मिल रही है, हम आपको कहाँ से दें। और वो लोग कहते हैं कि टाइम रख लो, टाइम पे जाते फिर भी बोल देते हमारे घर का खुद गुजारा नहीं हो रहा, हम आप लोगों का कहाँ से पेट भरे। बस उस टाइम तो ठीक चल रहा था काम सभी का हमारा जी, और उसके बाद तो हमारा बहुत ही काम डाउन हो गया, क्योंकि काम नहीं मिल रहा लोगों को आगे। अब जो सरकारी बंदे थे उनसे तो हम बधाई ले लेते हैं, जो गरीब बंदे हैं गांव में 150-200-300 रुपए की दिहाड़ी करने वाले, वो इतनी बधाई नहीं दे पाते। अब जिससे जो बनता है बेचारे वो खुश होके दे देते हैं, हम खुश होके ले लेते हैं, पहले तो हम जिद भी कर लेते हैं, अब हम लोगों से जिद नहीं करते, क्योंकि हमें भी हालात का पता है कि वो उनका गुजारा कैसे हो रहा है। जब हमारा गुजारा ऐसा हो रहा तो उन लोगों का गुजारा कैसे हो रहा होगा। बहुत परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, और हमारी प्रशासन से और जो हमारी सरकार है उनसे यही निवेदन करती हूँ मैं कि हमारी हेल्प करें किन्नर लोगों की, और सामने आके हमारा साथ दें, कि चलो जो पहले लॉकडाउन से पहले था ठीक था, अब हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहाँ भी जाते हैं कि भीड़ इकट्ठी ना करो, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो कोरोना का डर रहता है। आलम ये है कि घर का गुजर बसर करना भी मुश्किल होता जा रहा है। शिवानी बताती हैं कि कोरोना काल में भीड़ इकट्ठी करना बिल्कुल मना है, जिसके चलते शादी ब्याह में भी नहीं जा पाते। वहीं अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उनसे भी बधाई नहीं मिल पाती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की या तो तनख्वाह नहीं मिल रही है या फिर उनकी नौकरी जा चुकी है, ऐसे में हमारा उनसे बधाई मांगना भी शोभा नहीं देता। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी सुध ली जाए और उनके लिए सहायता राशि मुहैया करवाई जाए। नमस्ते, मैं बोबी अंबाला कैंट से रहने वाली हूँ और मैं साया में रहती हूँ। जी, लॉकडाउन से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई है यहाँ पे, हमारे साथ में नहीं आई, सारे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में सबके साथ आए हैं प्रॉब्लम, तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम आई है। तो गुजर बसर हो रहा है, जैसे कि अब हम पहले काम पे जाते थे शादी उदी में लड़कों की खुशी में बधाइयों के लिए, तो हम जाते थे तो हमारा गुजर बसर अच्छा से हो जाता था, अच्छे से रोटी वोटी हम खा लेते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तो बहुत ही प्रॉब्लम आई है लाइफ में, और हमारे साथ भी नहीं, सारे लोगों के साथ में आई हैं, आप लोगों को भी पता होगा। तो जैसे हालात चल रहे हैं, बस वो हालात को रखते हुए नज़र
अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जहाँ हम चार रोटी खाने वाले थे वहाँ पे हम दो रोटी खा रहे हैं। बस सबके साथ जो हो रहा है वो भी हमारे साथ हो रहा है। बस जी ये बताएं कि हाँ जी हमारे अम्बाला कैंट में कम से कम नहीं तो चेली नातिनों के साथ में जो हमारे कद्दी नस्ल हमारे जो दादू हैं दादी हैं वो तो कम से कम नेबू तो दो हैं, एक शनि मंदिर में एक रामबाग रोड में रहती है जिनका नाम इंदिरा महल है और पारू शर्मा है और हम उन्हीं के परिवार में से हैं। और अम्बाले शहर में भी दो तीन डेरे हैं, आई थिंक चार पांच डेरे होंगे पूरे अम्बाले के अंदर। मतलब कुल कुल मिला के होंगे 30-25 किमें होंगे चेले नाती के साथ मिला के। जी अब जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है तो जिसलिए कुछ भी नहीं जी हमारे को तो अभी तक दुनिया के साथ हम किए हैं। आप लोग मीडिया वाले हो आप लोगों को पता होगा न्यूज़ चलाते हो कि किन्नर लोगों ने हर हर मुल्क में हर हर स्टेट में किन्नर लोगों ने बहुत ही सहायता की है और हम भी कैंट वाले हैं, हमसे भी जितना हो सका हमने भी सहायता करी है और आगे भी हम करेंगे जितना हमसे होगा। लेकिन हमारे सहायता के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ है आज तक, कोई हमारे दरवाजे पे नहीं आए कि हाँ गुरुजी आपको क्या चाहिए, आपके घर में आटा है कि आपके घर में कुछ चूल्हा जला है कि नहीं जला है। इन लोगों को लगता है कि किन्नरों के पास में बहुत पैसे बहुत ये, लेकिन आज तक किन्नर के अंदर कोई घुस के नहीं देखा कि किन्नर कमाते तो क्या करते। हमने भी गरीब लड़कियों पर बहुत साथी मेरी पारू शर्मा जो है दादी हमारी जो दादी है अम्बाला कैंट में पारू शर्मा ने उसने चार लड़की अडॉप्ट करके पांच लड़की अडॉप्ट करके चार लड़की की शादी कर चुकी है। एक लड़की अभी कुंवारी है ये अनिलवीर जी को भी पता है, हम खुद इन्विटेशन देने गए एक लड़की की शादी के कार्ड लेके गए उनके घर पे। पूरे कैंटवासी को पता है कि किन्नर क्या करते क्या नहीं करते। जी नमस्कार मेरा नाम मनीषा है और मैं शिवानीपुर की चेला हूँ, हम केसरी में रह रहे हैं। लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, जो हमारा बिजली का बिल था जो पानी का बिल था कुछ भी सरकार ने कुछ भी माफ़ नहीं किया है। बस जैसे जैसे गुरु को हमारी को दिक्कत उठानी पड़ती है वैसे हमें भी दिक्कत उठानी पड़ती है जी। पहले बहुत सारे कारीगर थे अब तो कोई भी नहीं है, अब बस जब खर्चा नहीं चल रहा तो कारीगर कहाँ से होंगे, कारीगर भी बेचारे उनको हमारे पास ही रोटी खाते थे, अब वो कारीगर भी नहीं है बेचारे, अब हम ही जाते हैं बस काम करते जी। अब तो बहुत बुरा हाल है, अब तो बस ना कोई भीड़े करती होती ना कुछ, जो देते हम वो हाथ जोड़ के ले लेते जी। बस सरकार से ही मांगे कि सामने आए सरकार और हमारी मदद करेगी।